तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 6 अमेजिंग एंड इजी किचन DIY जिसे आप बहुत ही इजीली अपने घर पे बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BZB। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक फ्रिज मैग्नेट। तो उसे बनाने के लिए मैंने ये जार का लिड लिया है एंड उसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी एक कोट जेसो का। तो जेसो हम इसलिए अप्लाई करते हैं सो दैट कि हम जो कुछ भी इसके ऊपर पेंट करेंगे वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, वो थोड़ा ड्यूरेबल हो जाता है। तो जेसो के सूखने के बाद मैंने यहाँ पर गोल्डन येलो कलर का एक्रिलिक पेंट लिया है एंड उससे मैंने इसे अच्छे से पेंट कर लिया है। इसको पेंट हो जाने के बाद हम इसे कम्प्लीटली सूखने देंगे। तो अब ये कम्प्लीटली सूख चुका है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है ये क्यूट मिनियन वाले डेकोपाज नैपकिन पेपर। तो ये मैंने इट्सी पिट्सी से मंगवाया है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर ये अवेलेबल होगा तो आप ईज़िली इसे परचेस कर सकते हैं। तो जितना भी मिनियन का पार्ट हमें चाहिए उतना हम वाटर की हेल्प से यहाँ पर फाड़ लेंगे एंड उसके बाद मॉड पॉज की हेल्प से हम इसे लिड के ऊपर स्टिक कर देंगे। एंड स्टिक होने के बाद हम उसे अगेन कम्प्लीटली सूखने देंगे एंड सूख जाने के बाद अब हम सेकेंड कोट यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपने इस नैपकिन को, जो प्रिंट है उसे यहाँ पे हम सील करेंगे। ये प्रोसेस होने के बाद हम इसे कम्प्लीटली ड्राई होने देंगे एंड उसके बाद नैपकिन के ऊपर जो छोटे छोटे पोल्का डॉट्स थे उसे मैं यहाँ पे एक्रिलिक पेंट से पेंट करूँगी जिससे कि ये ओवरऑल एक डिज़ाइन लगे। वार्निश करना बिल्कुल ना भूलें एंड लास्ट में मैं यहाँ पे मैग्नेट स्टिक कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन। तो ये रहा हमारा फर्स्ट मैग्नेट रेडी। तो अब हम चलते हैं अपने सेकेंड मैग्नेट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये मोल्डेड क्ले एंड इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाऊंगी एंड मैं यहाँ पे एक शेप दे रही हूँ केटल का। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे एक प्लास्टिक शीट एंड इसके ऊपर ही मैं अपने केटल को शेप दूंगी। तो जितने भी पार्ट्स मैं यहाँ पे स्टिक कर रही हूँ वहाँ पे मैं थोड़ा सा फेविकॉल लगा रही हूँ सो दैट कि वैसे तो कभी भी जो क्ले है एक बार आप अगर स्टिक कर देते हैं तो वो निकलता नहीं है, बट सेफर साइड में थोड़ा सा फेविकॉल भी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एंड कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे केटल बना लिया है एंड इसे ओवरनाइट मैंने कम्प्लीटली सूखने के लिए छोड़ दिया है। तो हमारा केटल अब सूख चुका है तो हम इसे प्लास्टिक से रिमूव कर लेंगे एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे एक्रिलिक कलर यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे पिंक कलर यूज़ किया है, आप चाहें तो कोई भी कलर यहाँ पे यूज़ करके इसे पेंट कर सकते हैं। एंड अब मैं यहाँ पे कुछ डॉट्स दूंगी, आप चाहें तो कोई भी डिज़ाइन या पैटर्न यहाँ पर बना सकते हैं, ये टोटली आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने थर्ड मैग्नेट की तरफ। तो यहाँ पे भी मैंने लिया है ये मोल्डेड क्ले एंड इसे मैं सबसे पहले बेस पे थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाऊंगी एंड इसे फ्लैट कर लूँगी एंड आप नाइफ़ या कटर की हेल्प से आप इसे जो भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। मैं यहाँ पे शेप दे रही हूँ चॉपिंग बोर्ड का। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे बहुत ही ईजिली कट कर लिया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो कॉर्नर्स हैं वो काफ़ी शार्प हैं, तो इसे हम सीज़र की हेल्प से राउंडेड कॉर्नर कर लेंगे एंड टॉप में हम एक छोटा सा होल करेंगे। तो ये हो जाने के बाद हम इसे कम्प्लीटली सूखने देंगे। तो अब ये बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एजेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, तो मैं यहाँ पे फाइन सैंड पेपर की हेल्प से इसे थोड़ा सा स्मूथ कर लूँगी।
तो देखिए कितने अच्छे से इसके जो एजेस थे वो स्मूद हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पे वाइट एंड ब्राउन एक्रिलिक कलर की हेल्प से इसे कम्प्लीटली पेंट कर लिया है। मैंने इसे एक स्ट्रोक देते हुए पेंट किया है सो दैट कि जो अपने चॉपिंग बोर्ड का जो टेक्सचर होता है वो यहाँ पे मेंटेन रहे, एंड इसे हम सूखने देंगे। तो अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे ये परमानेंट मार्कर। तो आप चाहें तो इसे एक्रिलिक कलर से भी पेंट कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे मार्कर यूज़ करके जो भी टेक्स्ट आप चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे हैप्पी मील 24/7 लिखा है, एंड उसके बाद मैंने इसे दो कोट वार्निश का किया है। अब ये सब कुछ सूख चुका है, तब मैं यहाँ पर ये मैगनेट यूज़ कर रही हूँ। ये मैगनेट आपको बहुत ही ईजिली लोकल स्टेशनरी में मिल जाता है, एंड ग्लू गन की हेल्प से मैं इसे यहाँ पे स्टिक कर दूंगी। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से भी इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे 3 मैग्नेट्स रेडी हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। तो अब मैंने बनाया है ये एक वॉल हैंगिंग जो कि मैंने बनाया है वेस्ट चाय की छन्नी से। तो आप देख सकते हैं कि ये ख़राब हो चुका है, इसके वायर्स बाहर आ रहे थे, तो मैंने इसे सबसे पहले प्लायर की हेल्प से इसे रिमूव कर लिया है। नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पे ये मोल्डेड क्ले। तो सबसे पहले हम बेस पे थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाएंगे, एंड इसे अब हम फ्लैट कर लेंगे रोलर पिन की हेल्प से, एंड उसके बाद अपनी जो चाय छन्नी है उसको इसके ऊपर अच्छे से प्रेस करेंगे सो दैट कि इसका जो शेप है वो इसके अंदर फिट हो जाए। एंड अंदर की तरफ से मैं इसे थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी जिससे कि सूखने के बाद भी जो अपना क्ले है वो बाहर ना निकले। तो अब ये छन्नी के अंदर बहुत अच्छे से फिक्स हो चुका है, एंड ये कम्प्लीटली सूख चुका है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है वाइट एंड ब्राउन कलर जिससे कि मैं यहाँ पे इसे पेंट कर लूँगी। आप चाहें तो कोई भी कलर यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने एक्चुअली यहाँ पे चाय का जो कलर होता है उसे मेंटेन करते हुए मैंने इसे पेंट किया है। अब हम पेंट करेंगे यहाँ पे ये हैंडल जिसके लिए मैंने लिया है टर्कोइज कलर। आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब सेंटर में जो भी डिज़ाइन मुझे बनानी थी वो मैंने यहाँ पे पेंसिल से रफली ड्रॉ कर लिया है, एंड उसके बाद एक्रिलिक कलर से मैं इसे पेंट कर लूँगी। इसे थोड़ा और क्यूट बनाने के लिए मैंने थोड़े से डॉट्स यहाँ पे ऐड किए हैं, एंड उसके बाद हम इसे कम्प्लीटली सूखने देंगे। तो मेरे पास ये 3 टाइप्स के वार्निश हैं, तो इसमें से मैं एक वार्निश यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। तो आप चाहें तो कोई भी वार्निश यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप 2-3 कोट यहाँ पे अप्लाई करें। एक कोट सूख जाने के बाद ही दूसरा कोट अप्लाई करें, क्योंकि एट द एंड हमें इसे किचन में डेकोरेट करना है, एंड वहाँ पे स्टेन एंड चिपचिपाहट तो थोड़ी होती ही है, तो उसका हमें ध्यान रखते हुए 2-3 कोट अप्लाई करना है। तो अब चलते हैं अपने 5th DIY की तरफ जो कि है सुपर डुपर इजी। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक फ्रेम ले लीजिए, कोई भी पुरानी फ्रेम, ये मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी, एंड उसके बाद मैंने लिया है ये एक प्रिंट आउट।
तो इस तरीके के पोस्टर डिज़ाइंस आपको ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाएंगे। तो मैंने भी इसे ऑनलाइन सर्च करके एक नॉर्मल पेपर पे प्रिंट निकाल लिया है। एंड क्योंकि ये काफ़ी लाइटर शेड में था तो मैं यहाँ पे जो भी इसके टेक्स्ट एंड डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं उन्हें थोड़ा सा मैं डार्क कर रही हूँ। मेरे पास कलरफुल ग्लिटर पेन्स थे तो उन्हीं से मैं यहाँ पे डिज़ाइंस को थोड़ा इन्हेंस कर रही हूँ। तो अब डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसे करेंगे फ्रेम। तो मेरे पास जो ये फ्रेम है इसमें कोई भी ग्लास या फिर OHP शीट नहीं लगी थी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक OHP शीट भी यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपके पास ग्लास वाला फ्रेम है तो वो वेल एंड गुड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे OHP शीट रख दूँगी एंड उसके बाद जो हमारा प्रिंट आउट है उसे रखने के बाद हम इसे फ्रेम कर देंगे। एंड इसी के साथ हमारा फिफ्थ एंड सुपर इजी DIY इज़ रेडी। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने लास्ट DIY की तरफ। तो इसे बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है ये मिल्क कैन। तो इसे हम पेंट करेंगे ब्लैक इनेमल पेंट से। ये आपको बहुत ही इजीली लोकल हार्डवेयर स्टोर में मिल जाएगा। तो एक कोट करने के बाद हम इसे कम्प्लीटली सूखने देंगे। तो अब ये कम्प्लीटली सूख चुका है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये कुछ एक्रिलिक कलर्स एंड वन स्ट्रोक से मैं इसमें कुछ रैंडम लीव्स एंड पैटर्न्स बना रही हूँ। आप चाहें तो अपने कोई भी डिज़ाइंस या पैटर्न्स बना सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ येस डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम एज वेल एज फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं रेगुलर कुछ शॉर्ट वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। तो यहाँ पे हमने जो भी डिज़ाइन पेंट करना था हमने कर लिया है एंड इसे पेंट करने के बाद हम इसे भी कम्प्लीटली सूख जाने देंगे। एंड जब ये सूख जाएगा तब हम इसके ऊपर भी दो कोट वार्निश का अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने जो पेंट किया है वो है एक्रिलिक कलर जो कि बहुत ही ईजली स्टील या मेटल के ऊपर निकल जाता है, बट यहाँ पे हम वार्निश अप्लाई कर देंगे जिससे कि ये नहीं निकलेगा। इन फ्यूचर अगर निकलता है तो मैं आपको उसका फीडबैक ज़रूर दूंगी। तो आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी होली।